हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ फिश ऑयल की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फिश ऑयल यानी मछली का तेल। इस रेसिपी को बनाने के लिए रोहू फिश ऑयल को हल्दी और नमक से मैरिनेट कर लिया है। एक बड़ा प्याज मैंने लिया है। ये बैंगन और आलू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा हुआ। हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर यूज करेंगे और टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डालूंगी। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैं पेस्ट ली हूँ। इसको मैं सरसों तेल में बनाऊंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने एक चम्मच तेल, देखिए सरसों का मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम किया है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं चाहिए क्योंकि फिश ऑयल में खुद ही तेल बहुत सारा होता है, तो बस एक चम्मच मैं इसमें तेल डाली हूँ। अब मैं इस फिश ऑयल को इसमें डाल देती हूँ। सबसे पहले हम इसको इस डाल के इसमें से तेल सारा रिलीज होगा तो फिर मैं सब्जी बनाऊंगी इसकी। तो सबसे पहले मैं इसको डाल रही हूँ। फिश ऑयल अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें अब हम बैंगन, आलू और प्याज डाल देंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको ढक देंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसको ढक के 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक आलू ना पक जाए। इसको अब चेक कर लेते हैं। देखिए आलू अच्छे से हो गया है और सब्जी भी लगभग बनकर तैयार है। इसको और 1 मिनट तक फ्राई करेंगे फिर ये बनके तैयार हो जाएगी। सब्जी अब बनकर तैयार है। गैस को अब ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। हमारी फिश ऑयल की रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।